नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडाणिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने लगभग लगभग पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक हमारा बचा था, वांट हाफ गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी या यू पॉइंट कह सकते हैं कि असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म जो अपना टॉपिक जो बचा हुआ था उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले असामान्य आणविक द्रव्यमान, देखो असामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहेंगे, यानी ऐसा मान जो सामान्य मान से क्या हो, भिन्न हो। कोई भी विलयन होता है अपने पास, उसके अंदर जो अपन विलय मिलाते हैं उसका जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू ना आके कुछ वैल्यू क्या होती है, अलग आती है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान। यानी विलयन के वे गुण या विलय के वे गुण जो उसके सामान्य मान से क्या हो, भिन्न हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब उसके उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। मान लो कि देखो, अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने क्या लिया, या तो यूरिया लिया था या ग्लूकोज लिया था, यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपघट्य नहीं थे, यानी जिनका अपघटन नहीं होता है, उसका उपयोग हमने किया था। अब जैसे मान लो कि मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड लेता हूं, मान लेते अपन सोडियम क्लोराइड, जब इसको मैं क्या करूंगा, किसी विलायक में घोलूंगा तो ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। उसी प्रकार से मान लो मैं ले लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, तो ये कैसे टूटेगा, Ca प्लस टू और CO3 माइनस टू में टूट जाएगा। उसी प्रकार से मान लो मैं सोडियम सल्फेट लेता हूं Na2SO4, ये कैसे टूटेगा, 2Na प्लस और SO4 माइनस टू में टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मान लो कि मैं ले लेता हूं K4FeCN6, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर मैंने जो लिया ये जो सोडियम क्लोराइड है, मैंने इसका कितना अणु लिया, एक अणु लिया, या अपन कह सकते हैं एक अणु या एक मोल, कुछ भी कह लो। और जब ये विलयन में घुलता है, या जब मैंने सोडियम क्लोराइड को विलयन के अंदर घोला, दो अणु में टूट गया, एक तो सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, यानी आपको अणु कितने प्राप्त हुए, दो अणु प्राप्त हुए, जबकि पहले थे कितने, एक थे, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, एक अणु लिया, और मुझे अंदर कितने प्राप्त हुए, दो अणु प्राप्त हुए। उसी प्रकार से मैंने सोडियम सल्फेट लिया, कितना लिया, एक अणु लिया मैंने, और मुझे विलयन में कितने प्राप्त हुए, देखो दो तो सोडियम और एक सल्फेट, यानी कितने प्राप्त हुए, तीन अणु प्राप्त हुए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसको अपन तोड़ेंगे, ये देखो एक संकुल यौगिक है, आयनिक, मतलब अपन पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिक, इसको अपन संकुल यौगिक कहते हैं। आपका जो नाइन्थ चैप्टर है ट्वेल्थ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां अपन इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो एक छुटेगा 4K प्लस और FeCN6 माइनस 4, यानी यहां ये अणु कितना था, एक था, और यहां कितने प्राप्त हो, देखो ये चार तो क्या प्राप्त हो गया आपको, पोटेशियम आयन, और एक ये क्या प्राप्त हो गया आपको, संकुल, यानी कुल टोटल अणु कितने प्राप्त हुए, पांच अणु आपको यहां पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यानी नियम के हिसाब से या सिद्धांत के हिसाब से अपन कह सकते हैं सिद्धांतिक मान जो इनका आना चाहिए था, एक अणु आना चाहिए था, लेकिन जो प्रायोगिक वैल्यू जो इनकी प्राप्त होती है, यानी जब इनको अपन किसी विलयन के अंदर, विलाय के अंदर घोलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनका मान क्या जाता है, भिन्न प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से देखो, ये तो हो गया वियोजन हो गया, तो ये तो हो गया आयनन हो गया, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि अपने एसिटिक अम्ल हो गया या बेंजोइक अम्ल हो गया, तो उनके जो अणु है वो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी उनका क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। इनका तो क्या हो रहा था, वियोजन हो रहा था, उनका क्या हो जाता है, मान लो संगुणन हो जाता है। जैसे मान लेते अपन एसिटिक अम्ल के मैं दो अणु लेता हूं, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी डब्लो एच। तो देखो जब अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, किसी विलयन में डालते हैं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती है। इस प्रकार से देखो क्या होता है कि एसिटिक अम्ल के जो दो अणु हैं उनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है।
ठीक है, आपने अणु कितने डाले थे, दो डाले थे। अब यहां पर देखो ये दो अणु आपस में क्या हो गए, मिल गए, यानी इनका क्या हो गया, संगुणन हो गया। क्या हो गया, संगुणन। और संगुणन से ये क्या बना देता है, द्विलक बना देता है। क्या बना देता है, द्विलक। इस प्रकार से आपको मान जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी सैद्धांतिक मान अलग होगा, प्रायोगिक मान अलग होगा। तो इनको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए वान ठाक, उन्होंने एक तरीका बताया, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं कि अगर कोई भी विलय है, अगर उसका संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, किसी विलय का संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तो फिर उसका अणु भार कैसे निकाला जा सकता है, इसको लेकर वान ठाक गुणांक ने एक तरीका बताया, तो उसको लेकर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं अपन वान ठाक गुणांक की, वान ठाक गुणांक जिसको अपन आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वान ठाक गुणांक आई। यह कहां से आई, इसको समझो मेरे भाई। देखिए वान ठाक गुणांक क्या होता है, वान ठाक गुणांक कहता है कि प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, वान ठाक गुणांक कहते हैं। वान ठाक गुणांक यानी आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर। तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, वान ठाक गुणांक कहते हैं, और इसे अपन आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर देखो क्या होता है, संयोजन या वियोजन के बाद अणु की संख्या अपॉन संयोजन या वियोजन से पूर्व, संयोजन या वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, संयोजन या वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। इस प्रकार से अपन वान ठाक गुणांक निकालते हैं, यानी आई की वैल्यू निकालते हैं। पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे कैसे क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपन करके देखेंगे। तो वान ठाक गुणांक की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, वान ठाक गुणांक किसे कहेंगे, तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात क्या कहलाता है, वान ठाक गुणांक कहलाता है। प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात क्या कहलाता है, वान ठाक गुणांक कहलाता है, जिसे हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई की वैल्यू और कैसे निकाली जा सकती है, संयोजन या वियोजन, या अपन यूं कह सकते हैं कि संगुणन और आयनन, संयोजन या वियोजन के बाद अणु की संख्या और संयोजन या वियोजन से पूर्व अणु की संख्या, ठीक है। इस तरह से अपन आई निकालते हैं। जैसे मान लो एक सीधा सा एक छोटा एग्जांपल लेके अपन देखते हैं, मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका, अगर अपने को मान लो आई निकालना हो तो संयोजन से के बाद या वियोजन के बाद, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का यहां पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर वियोजन हो रहा है, तो वियोजन के बाद अणु की संख्या कितनी हो गई, यहां पर दो हो गई, एक तो सोडियम हो गया एक क्लोराइड हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर तो कितना जाएगा, दो आ जाएगा आपका वियोजन के बाद। और वियोजन से पूर्व अणु की संख्या, तो वियोजन से पहले कितना था, एक ही था अपने पास सोडियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा। इस तरह से अपन इसका आई क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्लियर। अब जितने भी अपन ने जो अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, चाहे वो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो, या प्रसरण दाब हो, ठीक है, उसमें अपन जो विद्युत अपघट्य है उनका अनुपात कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन वान ठाक गुणांक का उपयोग करते हैं, तो उसी को लेकर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मान लेते देखो आई बराबर कैसे अपन निकालेंगे, आई एक तो आता है डेल पी, यानी वास्तव में आप इसे अपन ने पढ़ा था, यानी इसका क्या आएगा, प्रेक्षित में लिख देता हूं ऑब्जर्व, यानी अपन जो देखते हैं यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं ऑब्जर्व, और फिर आता है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक यानी थ्योरिकल, उसी प्रकार से
अपन ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन यानी ऑब्जर्व और क्वथनांक में उन्नयन थ्योरिकल। उसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था हिमांक में अवनमन ऑब्जर्व यानी प्रेक्षित और हिमांक में अवनमन थ्योरिकल। उसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था पाई यानी प्रासरण दाब ऑब्जर्व यानी प्रेक्षित और प्रासरण दाब थ्योरिकल। क्लियर। अगर देखो मान लो कि आई की वैल्यू कितनी हो, एक के बराबर हो, यानी आई बराबर एक हो, ठीक है, यानी वांट ऑफ गुणांक का मान कितना हो, एक हो, तो वियोजन या संगुणन नहीं होता है। वियोजन या संगुणन संगुणन नहीं होता है। यदि I की वैल्यू यानी I जो है एक से बड़ा हो तो क्या होता है, वियोजन। यानी यदि वियोजन होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, एक से अधिक होगी। और यदि I की वैल्यू एक से कम हो तो क्या होगा, संगुणन। क्या होगा, संगुणन होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन सीधा सा भी बता सकते हैं कि ये देखो कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि आई ग्रेटर देन वन या आई लेस देन वन तो कौन सी कंडीशन होगी, संगुणन होगा या वियोजन होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा या संगुणन वियोजन दोनों होंगे, ठीक है। इस प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा सकती है। क्लियर। तो ये वांट ऑफ गुणांक को लेकर हम आगे इसको बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। अब देखते अपन, देखो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अपन जानते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या था, पी नॉट ए बराबर क्या था, एक्स बी, ठीक है। यदि अपन इसको क्या करेंगे, वांट ऑफ गुणांक के साथ लिखेंगे तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको वांट ऑफ गुणांक के साथ अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर आई इंटू एक्स बी, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में अपन इसको लिख देंगे। अगला अपन लिखते हैं, जैसे मान लो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या था अपना, डेल टी बी क्या था, के बी इंटू एम, यही था ना। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, आई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। और एम की वैल्यू अपन जानते हैं, एम की वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं, देखो क्या हो जाएगा, पूरा लिख रहा हूं मैं, डेल टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम की वैल्यू क्या होती है, देखो डब्ल्यू b अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू हजार, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, m की वैल्यू होती है, क्या होती है, m की वैल्यू होती है। ये सारी चीजें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, आप जो पिछले जो वीडियो है आप उनको देखिए, ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं, ये पूरा का पूरा अपन उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखो हिमांक में अवनमन की बात करें अपन, हिमांक में अवनमन क्या होगा आपका, क्या होता है, डेल TF, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई के एफ इंटू एम। उसी प्रकार से प्रासरण दाब की अपन बात करते हैं, पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी, ठीक है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, पाई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी आर टी, पाई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी आर टी। ये एम की वैल्यू देखो सारे अपन कर चुके, ये सी के बारे में सांद्रता पर अपन बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसके मैं यहां पर पूरा आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, आप पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से जब भी अगर आपको मान लो कोई विद्युत अपघट्य दिया जाएगा, यूरिया या ग्लूकोज नहीं दिया जाएगा, अगर आपको सोडियम क्लोराइड दे दिया या कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया या सोडियम सल्फेट दे दिया या एसिटिक अम्ल दे दिया या बेंजोइक अम्ल दे दिया, तो उसके लिए आपको इन फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, यानी साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, आई भी लेना पड़ेगा। यानी वांट ऑफ गुणांक का उपयोग करके ही हम अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करना हो, यदि आपको अगर यूरिया दिया हुआ हो या ग्लूकोज दिया हुआ हो या अपन कह सकते हैं विद्युत अनपगत्य दिया हो या जिसका वियोजन या संगुणन नहीं होता है, तो जो पहले जो अपन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन केंद्र अपन ने पढ़ा था या हिमांक में अवनमन पढ़ा था,
क्वथनांक में उनियन पढ़ा था, परासन दाब पढ़ा था, उनके अंदर जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे वो डायरेक्ट फॉर्मूले अपन लगा सकते हैं। कब? जब आपको कोई विद्युत अनपघट्य दिया हुआ हो। विद्युत अनपघट्य का मतलब जिसका वियोजन या संगुणन नहीं होता है। लेकिन यदि आपको विद्युत अपघट्य दिया हुआ हो जिसका वियोजन होता हो या जिसका संगुणन होता हो, और यदि उसमें आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना हो या परासरण दाब निकालना हो, तो जो पहले जो अपन ने फॉर्मूले लगाए थे वो फॉर्मूले उसके अंदर नहीं चलेंगे। उसके लिए अपने को वांठाभ गुणांक का उपयोग करना पड़ेगा, यानी आई का उपयोग अपने को करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर ये अपन सीधा क्या करते हैं, आई को इसके साथ क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब बात आती है कि सर आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, संगुणन की मात्रा कैसे निकालेंगे, वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, वो कितना वियोजित हुआ है, 10% हुआ है या 20% हुआ है, 30% हुआ है, 70% हुआ है, या उसका संगुणन हुआ है तो संगुणन कितना हुआ है, ठीक है। तो वियोजन या संगुणन की मात्रा निकालने का जो अपन तरीका आगे देखते हैं, जिसे अपन अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वहीं से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अब स्टार्ट होता है। ये वांठाभ गुणांक का एक छोटा सा बेसिक था, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि आयनन की मात्रा और वांठाभ गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है और वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन देखते हैं। देखिएगा, मान लो कि मेरे पास कोई पदार्थ है ए, कितना है, 1 मोल है, ठीक है, और वो टूट कर क्या बना रहा है, एन बी मोल बना रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टी जीरो, यानी प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो प्रारंभ में मैंने जो पदार्थ लिया कितना लिया, मैंने 1 मोल लिया, कितना लिया, 1 मोल। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं है तो बी कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं, जीरो ही है, अभिक्रिया हुई हुई नहीं है, मैंने इसको अंदर मिलाया ही नहीं है। तो प्रारंभ में मेरे पास ए जो है वो कितना है, 1 मोल है, और बी क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने इसको मिलाया ही नहीं, तो कुछ बना ही नहीं है, तो ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि टी समय बाद, यानी मैंने इसको अंदर मिला दिया, ठीक है, तो ये कितना बना, मान लो अल्फा बना, बी जो बना वो कितना बना, अल्फा बना, तो ये अल्फा किस में से निकला, अल्फा एम से तो निकला, तो ए कितना था, एक था, तो एक में से अपने अल्फा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए कितना बचा, ए बचा आपका 1 - अल्फा बचा, ठीक है। अब अपन जानते हैं आगे ये कितने मोल है, तो ये मैं एन है तो एन मोल से मैं इसको क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, ये आप 11th के अंदर पढ़ चुके हो, क्लियर। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो मोल आपके पास आए हैं, ये आए आयनन के बाद आए हैं, ठीक है, आयनन के बाद, यानी टूटने के बाद बी कितना बना और ए कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, आयनन के बाद बी कितना बना और ए कितना बचा, ये आ जाएगा आपका आयनन के बाद मोलों की संख्या, यानी टूटने के बाद। तो आयनन के बाद मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1 - अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, एन अल्फा, ये आ जाएगा आयनन के बाद मोलों की संख्या, ठीक है। इसमें अपन अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा आपका, 1 + अल्फा (n-1), ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आयनन के बाद मोलों की संख्या, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आयनन से पहले मोलों की संख्या, आयनन से पहले ए कितना था, एक था, तो आयनन से पहले मोलों की संख्या कितनी थी, एक थी। अब इसमें से अपने को निकालना है आई निकालना, ठीक है, ये अपन निकालेंगे आई। आई क्या होता है, आयनन से पूर्व अणुसंख्यक गुणधर्म और आयनन के बाद, माफ कीजिएगा, आयनन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म और अपॉन नीचे क्या था, आयनन से पूर्व अणुसंख्यक गुणधर्म, पढ़ने पढ़ने बात की थी ना, वांठाभ गुणांक आई, दो आई क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, यह अपन यू कह सकते हैं कि आयनन के बाद अणु की संख्या और नीचे आयनन से पूर्व अणु की संख्या। तो आयनन के बाद अणु की संख्या क्या जाएगी आपकी, 1 + अल्फा और क्वेश्चन में (n-1) और आयनन से पूर्व कितना है, एक, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक आ जाएगा। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है वियोजन की मात्रा निकालनी, वियोजन की मात्रा ने अल्फा निकालना है, यहां से क्या निकालना है, अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, (i-1) और नीचे क्या जाएगा, (n-1)। यहां पर एन क्या है, यहां पर एन क्या है, कणों की संख्या, एन क्या है यहां पर, कणों की संख्या, यानी टूटने के बाद कितने कण बनते हैं, एन यहां पर क्या है, कणों की संख्या, यानी टूटने के बाद कितने कण बनते हैं वो यहां पर n है, ठीक है। तो ये हो गया वांठाभ गुणांक यानी आई और वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा में संबंध। ये पूरी राम कहानी अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, परीक्षा के अंदर ये कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको केवल ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है और एक थोड़ा सा ये इसको ध्यान रखना, ठीक है, बाकी इतना ही आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वांठाभ गुणांक और संगुणन की मात्रा में, ये तो है वांठाभ गुणांक यानी आई, तो हो गया वांठाभ गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध। अब हम बात करते हैं वांठाभ गुणांक और संगुणन की मात्रा में क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं।
तो वांट हाफ गुणांक और संगुणन की मात्रा में क्या संबंध होता है? देखिएगा, उसी तरह से मान लो कि मैं लेता हूं, मेरे पास कोई पदार्थ है, प्रारंभ उसके मोल कितने हैं, एन मोल है, जो संगुणित होकर क्या बनाते हैं, द्विलक बना रहे हैं, ठीक है। यानी यह संगुणन हो गया, आप समझ सकते हो कि मान लो कि ये 2H है, ये क्या बन जाएगा, H2 हो जाएगा, यानी दोनों मिल गए आपस में, पहले दो अणु थे, अब आपस में क्या हो गया, मिल गए, मान लेते हैं अपन, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है। तो प्रारंभ में ये कितना होगा, एक होगा, और उत्पाद क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या होता है कि मान लो संगुणन के बाद ये कितना बनता है, अल्फा बनता है, तो कितने में से, तो 1 - अल्फा, क्लियर। तो अपन बात करेंगे संगुणन के बाद मोलों की संख्या, संगुणन के बाद मोलों की संख्या क्या जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा आपको 1 - अल्फा, और ये देखो ये एन, ये कंसेप्ट आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, तो अल्फा पॉन क्या जाएगा, एन आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका संगुणन के बाद मोलों की संख्या। अब संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या, संगुणन से पहले कितना था, ये एक था, तो संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या क्या जाएगी, एक आ जाएगी। अपने को निकालना है आई, आई क्या होता है, संगुणन के बाद मोलों की संख्या अपॉन संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। संगुणन के बाद क्या जाएगा आपका, संगुणन के बाद मोलों की संख्या 1 - अल्फा + अल्फा / n, और संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। तो यही कंडीशन देखिएगा कि इसको मैं एक को इसके साथ गुणा कर देता हूं आई के साथ, ठीक है। तो ये एक अगर मैं आई के साथ गुणा कर देता हूं, तो अब क्या बचेगा आपके पास, आई बराबर क्या बचेगा, 1 - अल्फा + अल्फा / n, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, अब यहां से मैं लघुतम लेता हूं, तो n लघुतम ले लूंगा, तो यहां मान लेता हूं मैं एक, और यहां पे भी कितना मान लेता हूं मैं, एक मान लेता हूं, एक का भाग n में दूंगा कितने बार जाएगा, n बार, n को एक से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, n। उसी प्रकार से एक का भाग n में दूंगा कितनी बार जाएगा, n बार, और n को मैं क्या करूंगा, अल्फा से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, n अल्फा। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये जो एक है इसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो अब क्या बचेगा आपका, आई बराबर, देखिएगा इसके साथ गुणा हो गया ये, तो आई बराबर क्या बचेगा आपका, 1 - अल्फा + अल्फा / n, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, लघुतम ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर नीचे क्या जाएगा, n आ जाएगा, यहां पे क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, लघुतम कितना आएगा, n, ठीक है। एक का भाग अपन n में देंगे कितनी बार जाएगा, n बार, n को अपन एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक का भाग अपन n में देंगे कितनी बार जाएगा, n बार, n को अपन किससे गुणा करेंगे, अल्फा से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, n अल्फा, प्लस का प्लस, और n का भाग अपन n में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। एक को अल्फा से गुणा करेंगे कितना जाएगा, अल्फा जाएगा, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखिएगा, अब यहां से क्या करते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब मैं n को इधर लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका, n i बराबर क्या हो जाएगा, n - n अल्फा + अल्फा, क्लियर। इस n को मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n i बराबर, ये प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, n बराबर, यहां से मैं अल्फा क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो क्या जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा आपका, 1 - n, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर कंप्लीट। यहां से क्या करता हूं, मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका, i - 1 - अल्फा - 1 - n, यहां से आपको निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, n, पोस्ट में क्या है आपके पास, i - 1 / नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1 - n, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आपको संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, और यदि आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो वियोजन की मात्रा का अपन ने पहले फॉर्मूला अपन ने देखा था, वो अपन करके देखेंगे। अब इससे प्रश्न जो है किस प्रकार से बनते हैं वो अपन करके देखते हैं, कुछ नहीं देखना है आपको। अगर वियोजन दिया हुआ तो पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, और संगुणन दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ये पूरी राम कहानी आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इस पे फोकस करना है, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके लिए मैंने पूरी आपको कहानी बताई है कि ये किस तरह से ये फॉर्मूला जो है निकल के आता है। आपको केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यदि आपको संगुणन की मात्रा निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, यदि आपको वियोजन की मात्रा निकालनी हो तो जो अपने पहले फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इससे प्रश्न जो है वो कैसे बनते हैं, एक प्रश्न अपन करके देखते हैं जो कि आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। देखिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं कि जो आपकी किताब में दिया हुआ है बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो आपको दिया रखा है पोटेशियम फेरोसाइनेट का 0.1 मोलर विलयन, पोटेशियम फेरोसाइनेट का 0.1 मोलर विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना, 46% क्या होता है, आयनित होता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, संगुणन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन। अपने को पता चल गया आयनित होता है, तो विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा ध्यान पर, अगर अपने को यह नहीं दिया होता, ध्यान दीजिएगा, अपने को यह नहीं दिया होता, यहां इसकी जगह पर क्या होता, मान लेते यहां क्या होता, यूरिया होता, क्या होता, यूरिया होता। और अपन जानते हैं यूरिया का ना तो वियोजन होता है
ना संगुणन होता है, ठीक है, तो यहां ये भी नहीं होता, ठीक है। और फिर अपने को पूछ लेता कि मान लो कि 0.1 मोलर यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। समझना ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन क्या होता, अगर यहां पर यूरिया होता तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता कि 0.1 मोलर यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो अपन सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं इस प्रकार से कि आई बराबर सी आर टी, ठीक है। तो सी क्या है आपका सांद्रता, सांद्रता कितनी हो जाती है 0.1, और आर कितना होता है 0.0821, और टी आपको दे रखा कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में कितना हो जाता 300 हो जाता, तो इनटू क्या कर देते अपन 300 कर देते, ये सीधा सा आंसर आ जाता अगर डायरेक्ट, अगर आपको क्या दिया होता यूरिया दिया होता या ग्लूकोज दिया होता, क्योंकि उनका वियोजन या संगुणन नहीं होता तो अपन सीधा डायरेक्ट परासरण दाब का फॉर्मूला लगा देते पाई बराबर सीआरटी, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको विद्युत अपघट्य दिया हुआ है और यह साफ साफ कह रहा है कि कितना परसेंट आयनित हो रहा है, वो 46% आयनित हो रहा है, नहीं उसकी वियोजन की मात्रा कितनी है 46% है, यानी एल्फा कितना है 46% है, ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि एल्फा कितना है 46% है, ठीक है। और मात्रा कितनी दे रहा है ये 0.1 मोलर, ये कह रहा है कि 0.1 मोलर पोटेशियम फेरोसाइनेट जो है 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना 46% क्या हो जाता है आयनित हो जाता है, यानी टूट जाता है, तो उसका परासरण दाब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कोई वियोजन होता है या संगुणन होता है तो उसके लिए अपन वान टाप गुणांक का उपयोग करते हुए क्या करते हैं उसका परासरण दाब ज्ञात करते हैं, या जो भी आपको वैल्यू ज्ञात करनी हो अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल जो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई बराबर सीआरटी होता है, ठीक है। ये कब यूज करेंगे जब आपको यूरिया दिया होगा या ग्लूकोज दिया होगा, लेकिन यहां आपको कह रहा है कि ये आयनित हो रहा है यानी वियोजन हो रहा है, और जब वियोजन या संगुणन होता है तो अपने को वान टाप गुणांक का उपयोग करना है जो अपन पहले लिख चुके हैं, क्या हो जाएगा पाई बराबर क्या हो जाएगा आईसीआरटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी आई को इसके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये आई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला अपन अभी जस्ट देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने बताया था आपको वियोजन की मात्रा और आई में संबंध, वान टाप गुणांक और आई में संबंध ये अपन पढ़ चुके हैं, आई बराबर 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 अपॉन 1। तो सर ये n कहां से निकालेंगे, n मैंने बताया था कणों की संख्या, तो ये आपको जो पोटेशियम फेरोसाइनेट देर का ये कितने में टूटेगा, तो ये इस प्रकार से टूटेगा 4K+, और ये इस प्रकार से संबंध में टूटेगा, टोटल ये तो कितने हो गए 4, तो ये अणु हो गए और ये एक अणु हो गया पूरा, टोटल अणु कितने हो गए 5 हो गए, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। सर अल्फा कहां से निकालेंगे, अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, ये खुद ही कह रहा है वियोजन कितना हो रहा है 46% हो रहा है, 46% का मतलब क्या होगा, 46% का मतलब क्या हो जाएगा 46/100, 46% का मतलब क्या हो जाएगा 46/100, तो अल्फा किसी को अपन क्या लिखेंगे 46/100, एन कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो सीधा सा देखो अल्फा कितना जाएगा आपका 46/100, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं अपन, आई बराबर देखो 1 का 1 हो जाएगा प्लस अल्फा कितना है 46/100 एन माइनस वन, एन कितना है 5, ठीक है, और माइनस 1, और नीचे क्या जाएगा 1। जब इसको अपन पूरे को सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2.84, कितना आएगा 2.84, ये क्या आ गया आपके पास आई आ गया, क्या आ गया आई। अब अपने को चाहिए सी, सी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ देखो 0.1 मोलर, सी आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर, आर, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी और जनरली वही होती है 0.0821, ये क्या होता है आर हो गया, ठीक है। टी यानी तापमान, तापमान कितना दे रखा आपको 27 डिग्री सेल्सियस में, और मैंने पहले बताया था कि तापमान आपको किस में लेना होता है केल्विन में, जब सेल्सियस को अपन क्या करेंगे केल्विन में बदल लेंगे तो अपने को क्या करना होता है 273 से क्या कर दो उसको जोड़ दो, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पाई बराबर देखिएगा पाई बराबर क्या है आई, आई कितना है आपके पास 2.84, ये 2.84, सी, सी कितना है 0.1, आर क्या है 0.0821, और टी क्या है 300, ठीक है। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6.98 atm, ठीक है, यानी ये आपका क्या जाएगा परासरण दाब आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको संगुणन दिया होगा तो संगुणन का फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको वियोजन दिया होगा तो आपको वियोजन का फॉर्मूला लगाना है। इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से अपन वान टाप गुणांक का उपयोग करते हुए किसी विद्युत अपघट्य का जो परासरण दाब भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो अध्याय है आपका कंप्लीट होता है, अगर फिर भी अगर इस पूरे अध्याय में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कीजिए। और रही बात नोट्स की, जो बार बार जो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं सर नोट्स प्रोवाइड करिए, नोट्स के लिए देखिएगा हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है,
आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, और जिस प्रकार से व्हाट्सएप का रजिस्ट्रेशन होता है उसी प्रकार से टेलीग्राम का भी क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसमें आप टेलीग्राम में जाकर जो सर्च बार होता है उसके अंदर आप अडानी एजुकेशन सर्च कीजिए, उसके अंदर जो हमारा चैनल है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम रेगुलर जो नोट्स वगैरह जो है वो हम अपलोड करते रहते, क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड करते रहते, वहां से आप जो चीज आपको चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या आ रही है तो नीचे आपके पट्टी में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर कंप्लीट। तो इसी के साथ अपना जो ये अध्याय है ये कंप्लीट होता है। वांट ऑफ गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके न्यूमेरिकल आएगा तो ये मान के चलिएगा कि 80% न्यूमेरिकल की जो संभावना होती है वो वांट ऑफ गुणांक से ही होती है। इसलिए इसके जो प्रश्न है आप अच्छे से एक बार सोल्व करें, ठीक है। क्लियर। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।